हाय गाइस, केसरी ट्यूटर एंड सेल्फ एजुकेशन डी प्रोग्राम में आप सभी का स्वागत है। आज के टॉपिक करंट अफेयर्स इन वन मिनट, जो 1 नवंबर 2017 का करंट अफेयर्स है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। राइटर फिल्म फ्रॉम प्रोड्यूसर एंड फॉर्मर एक्ट्रेस ट्विंकल खन्ना हैज बीन अवार्डेड विद द पॉपुलर चॉइस अवार्ड एट द 6th एडिशन बैंगलोर लिटरेचर फेस्टिवल फॉर हर बुक द लीगेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद। लेखिका, फिल्म निर्माता और पूर्व अभिनेत्री ट्विंकल खन्ना को उनकी किताब द लीजेंड ऑफ लक्ष्मी प्रसाद के लिए बेंगलुरु साहित्य महोत्सव के 6th संस्करण में पॉपुलर चॉइस अवार्ड से सम्मानित किया गया। नेक्स्ट है इटलीस आंध्र डोविजियोसो ने वॉन द मलेशिया ग्रैंड प्रिक्स टाइटल। इटली के आंध्रिया डोविजियोसो ने मलेशिया ग्रां का खिताब जीता। नेक्स्ट है इंडिया एंड जापान नेविक्स विगेन देयर 3-डे एंटी सबमरीन पैरामिलिट्री इन द इंडियन ओशन रीजन टू फर्दर एनहांस देयर ऑपरेशनल कोऑर्डिनेशन इन स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट सी रूट्स अराउंड दी टू कंट्रीज। भारत और जापान की नौसेनाओं के इन दोनों के आपस में रणनीतिक रूप से समुद्री मार्गों पर अपने परिचालन समन्वय को बढ़ाने के लिए हिंद महासागर क्षेत्र में 3 दिवसीय पनडुब्बी विरोधी सैन्य अभ्यास शुरू किया गया। नेक्स्ट है इंडिया यंग टेबल टेनिस प्लेयर दिया चिताले द सिल्वर मेडल इन गर्ल्स डबल्स कैटेगरी ऑफ द 2017 वर्ल्ड क्रेडिट चैलेंज। भारत की युवा टेबल टेनिस खिलाड़ी दिया चेताले ने ITTF विश्व क्रेडिट चैलेंज में लड़कियों के युगल में रजत पदक जीता। नेक्स्ट है होस्ट इंडिया फिनिश 7th ओवरऑल विद 1 गोल्ड 1 सिल्वर एंड अ ब्रॉन्ज वाइल इटली पिप चाइना इन द मेडल टैली एज द ISSF वर्ल्ड कप फाइनल। मेजबान भारत ISSF विश्व कप फाइनल में 1 स्वर्ण 1 रजत और 1 कांस्य पदक से 7वें स्थान पर रहा, जबकि इटली ने पदक तालिका में चीन को पीछे छोड़ दिया है। नेक्स्ट इंडियन जूनियर मेंस हॉकी टीम डिफीटेड होस्ट मलेशिया वाय 4-0 फिनिश थर्ड इन सुल्तान जोहा कप। भारतीय जूनियर पुरुष हॉकी टीम ने मेजबान मलेशिया को 4-0 से हराकर 7वें स्थान पर सुल्तान जोहर कप में 3रा स्थान हासिल कर लिया है। नेक्स्ट द मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट विल रैंक इट्स ऑफ 100 केंद्रीय विद्यालय के वी अ फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड इन विट इंटेटिव बाय द गवर्नमेंट विथ एंड एम इम्प्रूविंग द इंस्टीट्यूट थ्रू होल्डिंग अ कंपटीशन अमंग देम। मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने अपने 1000 से अधिक केंद्रीय विद्यालयों को रैंकिंग देगा, जो सरकार द्वारा अपने ही आप में इस तरह की पहली पहल है। सरकार का यह कदम प्रतिस्पर्धा के जरिए इन संस्थाओं में सुधार लाने के पर केंद्रित है। नेक्स्ट है इंडिया हैज बिकम द लार्जेस्ट मार्केट इन टर्म्स ऑफ रिटेल सेल्स फॉर जापानीज ऑटोमेजर होंडा इन द एशिया ओशिन रीजन इन द फर्स्ट हाफ ऑफ दिस फिस्कल। मौजूदा वित्त वर्ष की पहली छमाही में भारत एशिया ओशिन क्षेत्र में जापान की प्रमुख वाहन कंपनी होंडा का सबसे बड़ा बाजार बन गया। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब दिस चैनल।